हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आकांक्षा। आज के वीडियो में एक फेस वॉश का रिव्यू करने वाली हूँ। ये फेस वॉश आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाएगा, स्पॉट्स को कम करेगा, ब्राइटन करेगा, लाइटन करेगा। तो ऐसा कौन सा फेस वॉश है? तो ये है वो फेस वॉश। तो आप बॉटल देख के समझ गए होंगे कि ये वाओ का फेस वॉश है। ये वाओ का वाओ स्किन साइंस का ब्राइटनिंग विटामिन सी फोमिंग फेस वॉश है, जो कि सारे स्किन टाइप्स वालों को ये सूट करता है। डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है। पैराबिन, सल्फेट, सिलिकॉन, कलर्स वगैरह इसमें यूज़ नहीं किए गए हैं। और ये वैसे 100 ml का पैक है और इसमें 50% एक्स्ट्रा दिया गया है, मतलब 150 ml का पैक है। प्राइस की बात करूँ तो 399 rupees इसकी प्राइस है। तो अब बात करते हैं ये फेस वॉश क्या क्या क्लेम करता है। तो ये आपकी स्किन टोन को ब्राइटन करेगा, एज स्पॉट्स को फेड करेगा, फाइन लाइंस को रिड्यूस करेगा, कॉम्प्लेक्शन को स्मूदन करेगा, मतलब विटामिन सी जो सारे काम करता है वो ये फेस वॉश करेगा, क्योंकि इसमें विटामिन सी यूज़ किया गया है। इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करूँ तो इसमें काफ़ी सारे नेचुरल एक्टिव्स हैं, इसके साथ साथ केमिकल्स भी हैं। लिस्ट आप देख सकते हो, वहाँ से आप चेक कर लेना कोई चीज़ इसमें अगर आपको सूट नहीं करती हो तो आप इसको बिल्कुल भी परचेस ना करें। पैकेजिंग की बात करूँ तो ये कुछ ऐसे पैक में आता है, ऐसा बॉटल है। बॉटल में ये ब्रश मिल जाएगा आपको, यहाँ से आप इसको बंद कर सकते हो, ऐसे आप इसको ओपन कर सकते हैं। और ये ब्रश है, काफ़ी सॉफ्ट है, इसके ब्रिसल्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं, आपकी स्किन पर बिल्कुल भी हार्श नहीं रहेंगे, बहुत अच्छे से आपके पोर्स को क्लीन करेंगे। और यहाँ से आप जैसे ही पुश करेंगे तो आपका ये प्रोडक्ट बाहर आ जाता है और आप इसको अपने फेस पे यूज़ कर सकते हैं। इसकी इस पैकेजिंग के कारण इसको यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा ईजी है और मुझे तो इसकी बॉटल बहुत अट्रैक्टिव लगती है, इसीलिए मैंने इसको परचेज़ भी किया। और इनका रिफ़िल पैक भी आता है, तो जब ये बॉटल फिनिश हो जाए तो आप इसको घर से ओपन करके वो पैक रिफ़िल कर सकते हो और इसको फिर से यूज़ कर सकते हो। बार बार आपको बॉटल में पैसे खर्चने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार आपको ये बॉटल के पैसे देने हैं, फिर आप रिफ़िल पैक ख़रीद के इसको रिफ़िल कर लीजिए। बात करते हैं ये फेस वॉश मुझे कैसा लगा। तो कुछ दिनों से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, अच्छा है। पर आप सिर्फ फेस वॉश यूज़ करके अगर ये एक्सपेक्ट करते हो कि दाग धब्बे चले जाएंगे, फाइन लाइंस चली जाएंगी और स्किन टोन ब्राइट हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। ये फेस वॉश बहुत अच्छे से आपके स्किन को क्लीन करेगा, ऑयल फ्री बनाएगा, डर्ट फ्री बनाएगा, नो डाउट बहुत अच्छे से क्लीन करता है। क्लीन करने के बाद ड्राइनेस भी नहीं रहेगी और इसके ये ब्रिसल्स बहुत अच्छे से फेस को साफ़ करते हैं। पर इसका ये मतलब नहीं है कि आपके ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स रिमूव कर देंगे, वो नहीं करेंगे। क्या होता है, जब आप अब इस ब्रश की हेल्प से अपने फेस को वॉश करते हो तो एक सेटिस्फेक्शन हो जाता है कि हाँ अच्छे से क्लीन हुआ होगा, क्लीन हुआ है अच्छे से फेस। पर ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स वगैरह रिमूव नहीं होंगे, सिर्फ डर्ट, ऑयल जो होती है वो ही ये ब्रश को यूज़ करके होगी। और काफ़ी अच्छा है, अगर आपके फेस पे एक्टिव एक्ने हैं, पिंपल हैं, तब आप इस ब्रश को, इस फेस वॉश को यूज़ ना करो। नहीं तो अगर आपको आपकी स्किन पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे कि एलर्जीज वगैरह नहीं हैं और दाने नहीं हैं, तब आप बिल्कुल इसको यूज़ कर सकते हो। काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छे से काम करेगा और बहुत अच्छे से स्किन को क्लीन करेगा। मेरी एक्ने प्रोन स्किन है, ऑयली स्किन है, तो मेरी स्किन पे इसको यूज़ करने के बाद कोई भी दाने वगैरह मुझे नए नहीं आए और काफ़ी अच्छे से मेरा फेस क्लीन किया, मुझे बहुत पसंद आया। चेहरे को ऑयल फ्री बनाएगा और अच्छा लगेगा, आपको फ्रेश फील होगा इसको यूज़ करने के बाद। आपकी ड्राई स्किन है, ऑयली स्किन है, आप बिल्कुल इसको यूज़ कर सकते हो। सेंसिटिव स्किन है तो मैं कहूँगी कि नहीं यूज़ करो, पर ड्राई स्किन है, ऑयली स्किन है, कॉम्बिनेशन स्किन है, बिल्कुल आप इसको यूज़ कर सकते हो। एक बार इसको यूज़ करके देखना, बहुत अच्छा है। वॉश करने के लिए आप इसको दिन में 2 से 3 बार यूज़ ज़रूर करो। इसके बाद अच्छा मॉइस्चराइज़र यूज़ करो, टोनर यूज़ करो, सीरम्स यूज़ करो। दिन में आप सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। अच्छा स्किन केयर रूटीन फॉलो करेंगे तो ये फेस वॉश आपकी काफ़ी हद तक हेल्प करेगा और अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। इनके क्रीम का, सनस्क्रीन का, सीरम्स का, शैम्पू, इन सारी चीज़ों का मैं रिव्यू कर चुकी हूँ, वो भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से देख सकते हैं। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो जल्दी से लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।